टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 13 आईएएस और 20 पीसीएस अफसरों के तबादले। वाराणसी, उन्नाव, कुशीनगर समेत 5 जिलों के डीएम बदले गए। 11 साल से गायब बेटा तलाश रहे लाचार माँ बाप। मुजफ्फरनगर में कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रहे दिन रात, याद में सूख गया आंसू। बांदा में बहन से नाराज भाई ने लगाई फांसी। परिजन ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल कराया भर्ती। शामली में की जा रही थी भ्रूण लिंग जांच। स्वास्थ्य विभाग अंबाला की टीम ने दलाल समेत 2 को दबोचा। आरोपी डॉक्टर फरार। बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शिविर शुरू। मिशन 2024 की तैयारियों पर होगा मंथन। जेपी नड्डा, सीएम योगी होंगे शामिल। फिरोजाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। 17 साल पुराने मामले में भाजपा नेता समेत 57 दोष मुक्त। रायबरेली में बीजेपी नेत्री की गाड़ी पर हमला। 2017 में सदर से लड़ा था विधानसभा चुनाव। बोली, प्रशासन मेरी हत्या करवाना चाहता है। फतेहपुर में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव। 2 महीने पहले हुई थी शादी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। प्रयागराज में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट को श्रद्धांजलि। श्रीनगर में हुई मौत। रसूलाबाद घाट पर बेटे ने दी मुखाग्नि। 40 लाख की डकैती डालने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। कुरियर कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने की थी रेकी। बदमाशों से 8 लाख रुपए भी बरामद। उन्नाव के 261 अमृत सरोवरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। पहले इनकी संख्या 100 थी। 11 अगस्त तक झंडा लगाने के निर्देश। बिजनौर में पिकअप ने कार में मारी टक्कर। महिला की मौत। पति की हालत नाजुक। हस्तिनापुर से जसपुर जा रहे थे दोनों। रामपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई शुरू। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतों से प्रशासन ने हटाया कब्जा। देवरिया में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पहुंची किताबें। उच्च प्राथमिक में गणित छोड़ सिर्फ 3 किताबें मिली। भदोई में गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी। 24 बाढ़ चौकियों को किया गया सतर्क। प्रशासन तटीय इलाकों की कर रहा निगरानी। गाजीपुर में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर लटकी तलवार। बेसिक शिक्षा विभाग ने बंद कराए 25 अमान्य विद्यालय। 104 स्कूलों पर नजर। चित्रकूट में सगे भाइयों समेत 3 की मौत। बेकाबू जंपर ने NH-35 हाईवे पर रौंदा। बाइक से निमंत्रण में जा रहे थे। मेरठ में शादी के जंपर पर छापा। सामूहिक निकाह में 6 नाबालिग बेटियां। बालिका वधू बनने से बची 5 बालिग लड़कियों का निकाह करवाया। 1 साल की मासूम को बेरहमी से पीटा। हापुड़ में मां ने बच्ची को जमीन पर पटका फिर हाथ पकड़कर खेत में फेंका। आगरा में बदमाशों ने एड्रेस नहीं बताने पर मारी गोली। पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर हुई वारदात। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा में कुजली मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन। डीएम ने व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंपी। रक्षाबंधन के 1 दिन बाद होगा शुरू। संभल में पत्नी की गर्दन काटकर पति ने की हत्या। दहेज में 10 लाख की कर रहा था डिमांड। पति और ससुर दोनों फरार। यूपी में अब टीचर लेंगे टीबी रोगियों को गोद। प्रतापगढ़ डीएम ने दिया आदेश, इलाज पूरा होने तक करनी होगी देखभाल। जालौन में टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा। झूठा लंच बॉक्स, धोने से किया था मना। शरीर और कान पर आई गहरी चोट। प्रबंधक ने कराया समझौता। मंदबुद्धि युवक ने अधेड़ को पीट पीट कर मार डाला। ग्रामीणों ने आरोपी की पकड़ कर जमकर की पिटाई। पीआरवी सिपाही ने बचाई जान। शराब के नशे में सड़क पर लेट गया पुलिसकर्मी। बीच सड़क पर घंटों झाड़ता रहा रौब। पीआरबी के जवानों ने पहुंचाया अस्पताल। भाजपा नेताओं की प्रॉपर्टी पर चल रहा बुलडोजर। भाजपा के पूर्व विधायक, ब्लॉक प्रमुख समेत कई बड़े भाजपा नेताओं पर चला बुलडोजर। प्रॉपर्टी जब्त। थाने के टॉयलेट में बाबा साहेब की प्रतिमा। पुलिस पड़ताल में फोटोशॉप से छेड़छाड़ की पुष्टि। बसपा जिलाध्यक्ष ने की थी शिकायत। पूर्व राज्य मंत्री पर एनएचएआई कर्मचारियों से मारपीट का आरोप। हाटा भाजपा विधायक बोले, हमारी सरकार में नहीं चलेगी गुंडई।
हरदोई में वृहद वृक्षारोपण अभियान चढ़ रहा लापरवाही की भेंट, प्रशासन के दावे पर धूमिल करते नजर आए। रोपित किए जाने की बजाय विद्यालय में सूख रहे। अधीर रंजन की टिप्पणी को लेकर अलीगढ़ भाजपा महिला मोर्चा ने किया विरोध, मार्च निकालकर जताया आक्रोश। औरैया में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने निकाली रैली, रैली को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिजनौर में मासूमों के बचपन के साथ खिलवाड़, ठेकेदारों ने मासूमों से कराते हैं मजदूरी, पुलिस ने ठेकेदारों को दबोचा। बुलंदशहर में किसान नेताओं ने किया रक्तदान, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने पुलिस लाइन में लगाया रक्त शिविर। अलीगढ़ एसडीएम ने अंग्रेजी और देशी शराब दुकानों का किया औचक निरीक्षण, खामियां मिलने पर शराब दुकान के खिलाफ नोटिस जारी। गोंडाटिया थॉक ब्लॉक में गौ आश्रय केंद्र में गौवंश की बुरी हाल, सूखे भूसे और गंदा पानी पीने को पशुओं की मौत, गौवंश। शाजापुर में पैसिफिक हेल्थवेयर संस्थान ने बहादुरगंज बाजार में वितरित किए पेपर बैग, जागरूक किया। श्रावस्ती में छात्र की पिटाई से अभिभावकों ने स्कूल में किया हंगामा, कार्रवाई की मांग। सुल्तानपुर में मुख्य सचिव ने की राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा, समीक्षा के दौरान मीडिया से बनाई रखी दूरी। अलीगढ़ में बड़ा हादसा, रोडवेज फ्लाईओवर से नीचे गिरी महिला की मौत, 25 लोग घायल। गुना में पुत्री पैदा होने पर महिला को ससुरालजनों ने अस्पताल में चप्पलों से पीटा, नगर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। अमेठी में दबंगों ने महिला से की मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस पर कार्रवाई ना करने का लगा आरोप। अयोध्या में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 10 छात्र घायल, रोनाही के महोली गांव में हुई घटना, अनियंत्रित होकर गन्ने के खेत में पलटी बस। अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों में भिड़ंत, तो दोनों वाहनों के चालक हुए घायल, घायल चालकों के निजी अस्पताल में हुआ उपचार। अमेठी में एसपी के लाख सख्ती के बावजूद अवैध वसूली पर उतारू हुए जिले के क्राइम ब्रांच, नशे में धुत क्राइम ब्रांच के दोनों सिपाही ग्रामीणों से भिड़े। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान योगी के पुलिस पर शराब का तमंचा, शराबी का तमंचा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2011 बैच की आईएएस श्रुति बनी फतेहपुर की नई डीएम, पंजाब कैडर की है आईएएस, इसके पूर्व में बलरामपुर में थी जिलाधिकारी। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट, तेल डलवाने को लेकर हुई जबरदस्त मारपीट, अज्ञात युवकों पर फायरिंग करने का आरोप। गोंडा में आपस में भिड़े पुलिस के दो सिपाही, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो 3 महीना पुराना बताया जा रहा। बुलंदशहर में मानव कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नाले में पड़ा मिला मानव कंकाल, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम और पुलिस। गोरखपुर में विश्व बाघ संरक्षण दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ, वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कन्नौज में युवक ने महिला के साथ की मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, महिला ने युवक पर लगाया परेशान करने का आरोप। हरदोई में फिर उड़ी सर्व शिक्षा अभियान की धज्जियां, विद्यालय में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू, उठवाया जा रहा कूड़ा, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में बंद घर को चोरों ने बनाया अपना निशाना, घर से लगभग 15 लाख रुपए पर किया हादसा, पीड़ित परिवार का रो रोकर बुरा हाल। कानपुर में बालाजी जर्नल स्टोर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 10 लाख रुपए का माल जलकर हुआ खाक। लखीमपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता, अंतर जनपद लूट करने वाले गिरोह के 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ के थाना केसरबाग के दुकान में घुसे बस ब्रेक फेल होने के कारण, चालक ने दुकान की तरफ घुमाई थी बस, खाली बस होने के चलते नहीं हुई जनहानि। कानपुर के सैय चौराहे का नाला राहगीरों के लिए बन रहा, कार चौराहे से गुजर रही कार अचानक गड्ढे में घुसी। नोएडा में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, वीडियो सेक्टर 51 होशियारपुर का बताया जा रहा। कानपुर में सुरक्षा की खुली पोल, पुलिस के दावे की पोल खोलता वीडियो वायरल, गंगा बैराज में बैरिकेडिंग तोड़कर रेड जोन
जोन में पहुंचे युवक। नोएडा में बीच सड़क पर दो पक्षों में हुई मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, वीडियो तेजी से वायरल। कानपुर बार में नाबालिग छात्र छात्राओं को हुक्का शराब पिला के बनाया जा रहा नशे का आदि, नियम कानून को ताक पर रखकर चल रहा बार। नोएडा के सेक्टर 31 और 36 सेक्टर के बीच हुआ भयंकर सड़क हादसा, मर्सिडीज कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, ई रिक्शा चालक के दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त। कानपुर में पीआरवी में तैनात पुलिस कर्मियों का वसूली करते वीडियो वायरल, रसौल हाईवे के ऊपर का ये मामला बताया जा रहा। 250 रुपए किराए के लिए बुजुर्गों को पीट पीट कर मार डाला ई रिक्शा चालक, की पिटाई करते हुए पिता बचाने आया तो उसको मारने तक की पीटता रहा। हरदोई में देवरानी जेठानी गैंग का पर्दाफाश, मांगने के नाम पर करती थी टप्पेबाजी, दुकानदार ने रंगे हाथों पकड़ा। एसएसपी की सख्ती के बाद पेटीएम से ली रिश्वत, आगरा पुलिस दुकानदारों को कराती है पेमेंट, अय्याशों को 40,000 लेकर छोड़ा। अमेठी में क्राइम ब्रांच के दो सिपाहियों को ग्रामीणों ने दबोचा, 3 लाख रुपए की घूस मांगने का लगाया आरोप, एसपी ने जांच के दिया आदेश। दबंग कारोबारी ने दलित बहनों से किया अश्लील हरकत, हाथ पकड़कर घसीटा, जबरन गले लगाकर किया किस, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथरस में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप, अस्पताल के बाहर जमकर किया हंगामा। जमीन के विवाद में बाप ने बेटी को गोली मारी, जमीन बेचने का विरोध करने पर हत्या की कोशिश, खून से लथपथ बेटे ने कमरे में छुपाकर बचाई जान। चंदौली में तहसील पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, गांव के एक व्यक्ति पर सार्वजनिक रास्ता खुदवाने का आरोप, राजस्व टीम करेगी जांच। बाराबंकी में शॉर्ट सर्किट से नमकीन फैक्ट्री में लगी आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अपनी शादीशुदा प्रेमिका का किया मर्डर, अयोध्या में लिव इन में रहते थे दोनों, 7 दिन पहले ही लौटे थे गांव। हाथरस में बियर भरा ट्रक पलटा, चालक की मौत, सामने से आ रहे वाहन ने मारी टक्कर। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।